हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र, आप सबका स्वागत है माय टेक विद आरवी के इस नए वीडियो में। तो आपने अभी टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही लिया होगा कि मैं किस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। तो सही सुना आपने और सही पढ़ा आपने, मैं आज डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। तो देखते बात करते मूवी के बारे में, कैसी है मूवी, आपको देखना चाहिए या नहीं, ये पूरी चीज़ों के बारे में खुल के बात होने वाली। तो मेन बात यह नहीं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे बड़ी पहली बात, आपकी कृपा की यानी आपके प्यार की वजह से आज मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो उसके लिए उस प्यार के लिए आप सबका बहुत सारा और ढेर सारा धन्यवाद। ऐसा ही प्यार मुझे आप तक आने वाली वीडियोस में मिलता रहेगा, ऐसा अच्छा विचार करके चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं नोवे होम के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि अगर मैं नोवे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज के रिगार्डिंग कंपैरिजन करूँ तो मुझे इन दोनों में ना डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल और अच्छी मूवी लगी। और दूसरी बात ये करूँ तो नोवे होम एक तो पैंडामिक था, वो पैंडामिक चलते वो सब थिएटर्स बंद थे तो खुले थे और लोग ना थिएटर में जाने के लिए उत्सुक थे, तो वो ये स्पाइडरमैन एक अवसर दिखा उनको, तो उस वजह से वो थिएटर्स में गए और मूवी देखी और उसका इतना ज़्यादा कमाई हुआ उसका। बट अगर बात की जाए तो यानी डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज मुझे लगता है मेरी नज़र में मार्वल की आज तक की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। और मार्वल जो भी कैरेक्टर्स बनाता है ना, उन्हें डेवलप इस बखूबी से करता है कि अगले आप 100 साल बाद भी अगर इन मूवी को देखोगे ना तो ये नयापन आपको ना वो हर वक्त फील होगा। अपने बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की। डॉक्टर स्ट्रेंज भाई साहब, ऐसी मूवी ये मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूँ, मैं जिस जो थेरीज अब ये बात है कि जो भी मार्वल फैन रहता है, जो भी मार्वल को अपडेट मैंने अपडेटेड रहता है मार्वल के बारे में, वो ना अपनी थ्योरी बनाता है, अपनी एक सोच और विचार बना के वो मूवी देखने जाता है। पर क्या होता है ना कि हर बार मार्वल ना कुछ एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमें दिखा के ना वो एकदम से शॉकिंग ट्रीटमेंट देते हैं, शॉकिंग मूव्स बता देते हैं, और यही सब चीज़ें ही इस बार मेरे साथ हुई है। मूवी इतनी ज़बरदस्त है कि मैं खुद अभी तक सोच रहा हूँ कि मैंने जो थोड़ी थ्योरी बनाई थी उन्हें कैसे हटा दिया। एक तो ना मैं इस विलन के बारे में बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि विलन के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया था, वो चीज़ हम मुझे बहुत 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 पसंद आई है। मैं बताऊँगा नहीं कौन विलन है, क्यों है, कैसा है, अब वो आपको जैसा लग रहा है उसके हिसाब से आप सोच लीजिए, पर मेरे हिसाब से ये आज तक का मैं शौक था ये विलन को देख के, इतनी पावर और आप बता नहीं सकता, मैं इतना शॉकिंग मोमेंट था मेरे लिए, हर एक सीन। मजे की बात बोलता हूँ, तो जैसे मैं स्क्रीन में अंदर गया तो स्टार्टिंग में ही ना अवतार का ट्रेलर था पता नहीं वो चालू हो गया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जो स्टेयर थी ना वो स्टेयर पे खड़ा होके मैं वो पूरा टीजर देखा हूँ खड़ा होके। मैं मेरे को सूद भी नहीं थी मैं कि चलो ठीक है मैं मेरा सीट देख के मैं सीट पे बैठ के वो टीजर देखूँ। मैं जैसे ही अंदर घुसा वैसे टीजर स्टार्ट हुआ और बता रहा हूँ इतना खतरनाक और इतना ज़बरदस्त होने वाला है, ये बढ़िया होने वाला है, बहुत ही ऑसम रहने वाला है ये मूवी, और ये टीजर दोनों भी खतरनाक। तो जैसे मैं अभी वो टीजर ख़त्म हो गया तो मैं जैसे मेरे सीट पे बैठ गया, तो बैठने के बाद दोस्तों ये वहाँ पे ना कुछ कल लड़कियाँ आई थी दो चार, वो लिटरली वो हर सीन में उनका चल रहा था, अब ये कौन है, अब ये किसके बच्चे हैं, अब ये कहाँ से आ गई, अब इसका क्या हो गया, भाई तेरे को क्या करना है बहन, अभी तेरे को देखना है तो देख, नहीं तो चली जा यार, तू दूसरों का मजा क्यों किरकिरा कर रही है, मुझे यही नहीं समझ आता। उसके पहले मैंने दो बार उनको टोका था फिर भी वो लोग ना वही मटर गश्ती चल रही थी उनकी, पुतर पुतर, कहा क्या जरूरत है भैया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो भैया जा घर पे जाके पहले पढ़ाई करके आओ ना और देखा करो बाद में, अब वहाँ आके तुम, मैं देख रहा हूँ मेरे हिसाब से अब वो उनका चल रहा है पीछे से। अरे भाई मैं आपकी बातें सुनो या मूवी देखो, अब यही नहीं बात समझती। अगर मैं सब लिटरली बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पहले आप मार्वल की पिछली वाली मूवीज़ देखिए फिर बाद में जाइए, क्योंकि इसमें रेफरेंसेस बहुत रहते हैं, नए नए कैरेक्टर्स आपको लगते हैं, वो होते नहीं हैं पर वो आपको लगते हैं और आपको लगता है कुछ अलग ही चल रहा है। तो दोस्तों मेरी दरख्वास्त है कि आप जब भी मार्वल की मूवी देखने जाए तो पहले उसके बारे में ज़्यादा अभ्यास करके जाए और तभी जाइए मूवी देखने। चलो छोड़ो उनकी बात, वो ऐसे लोग तो मिलते रहते हैं हर बार। तो मूवी के बारे में अगर बात करूँ तो मूवी एकदम से क्लास वोर बहुत ही, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो हॉरर इफेक्ट डाला है ना, माँ कसम बोल रहा हूँ ये हॉरर इफेक्ट ना इसकी जान बन चुका है,
लिटरली बोल रहा हूँ ना, डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी हम किस तरह से देखते हैं, पर ये हमारा देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल के रख दिया है, और ये हर हॉरर इफेक्ट की वजह से मूवी और उठ के देखी है। तो मेरी तरफ से तो ये मूवी आज तक की सबसे बनी, मैंने आज तक की मार्वल में बनी हुई सबसे बेस्ट मूवी है, और ये मुझे बहुत पसंद आई। ओवरऑल इस मूवी के बारे में बात करते हैं तो मूवी में हमें बहुत ही ज़बरदस्त मैंने परफॉर्मेंस दिखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त VFX दिखता है, बहुत ही ज़बरदस्त एनिमेशन है, बाद में 3D है, और जो कुछ भी यानी जितना भी हमें दिखाया गया है ना वो वर्ल्ड क्लास का है। और एक बात बोलूँ तो ये लोग ना कभी भी अपना परफेक्शन दिखाने में चूकते नहीं हैं, और जब डॉक्टर स्ट्रेंज की बात आती है ना तो वो परफेक्शनिस्ट यानी परफेक्शन का किंग है वो। यानी ये मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है पूरे मार्वल यूनिवर्स का, और इसकी मूवी यानी ये बहुत ही हैरतअंगेज और ज़बरदस्त है। ज़रूर जाइए, जितना हो सके उतने लोगों को साथ में लेके जाइए, पर देखना ज़रूर। मैं इस मूवी को देना चाहता हूँ 4 out of 5, क्योंकि ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई। एक मैं कुछ चीज़ों के वजह से, ये मेरे पर्सनल चीज़ें, अगर मैं बोल दूंगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा, और अगर आप बोलते हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बोलिए आपको अगर स्पॉइलर वाला रिव्यू होना चाहिए तो मैं कल परसों में आज रात फिर से जाने वाला हूँ देखने के लिए, तो मैं कल परसों में आपके लिए या सोमवार मंगलवार तक आपके लिए स्पॉइलर वाला रिव्यू भी डाल दूंगा। तो और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ जाके मुझे फॉलो कीजिए, और अगर यहाँ पे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों यहाँ पे भी सब्सक्राइब कीजिए। जैसा मुझे प्यार आपने 100 सब्सक्राइबर में पहुँचाने के लिए दिया है, वैसे ही आप हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ लाना है, तो ऐसे अच्छे रिव्यूज़ वाले के लिए वीडियोज़ के लिए आप मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वाले ऐसी धमाकेदार वीडियो में, टेक केयर गाइस।